अभी कहते ना क्यों इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। वहाँ धूप निकल रही है, यहाँ छाव है, वो काले बादल हो रहे हैं ऊपर, बारिश के आसार। अभी आगे का पता नहीं कि बारिश में भीगना पड़ेगा या क्या। वाओ, क्या ये मेरी ब्यूटी। ये है लाल टिब्बा की रोड और ये व्यू क्या सही है। और बड़ी वाली दूरबीन से देखते हैं हम। चलो आओ। जैसे अभी यहाँ पे एक अंकल है, उन्होंने बताया हम 8000 फीट पे हैं, इससे ऊंचा कुछ नहीं। सो गए, मैं ये बात कर रहा था लाल टिब्बा का, क्योंकि ये लाल टिब्बा मसूरी में सबसे ऊंचा है, बस इससे ऊंचा फिर कुछ नहीं। ये रेस्टोरेंट है नीचे, अपना ऑर्डर आने वाला है। ये व्यूज है यहाँ से, लोकल रोड, और ऊपर जो था यहाँ से वो रास्ता है लाल टिब्बा का। ये लाल टिब्बा का वे टू बैनोकुला, ये है ऊपर, यहाँ से आप यूज कर सकते हो चीज़। सब बढ़िया। सो ठीक है, अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं आपसे। बाय बाय। मेरे बैक साइड पे ही है चर्च, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सामने से, मतलब ना वो अभी थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, फोटो वोटोज हो रही हैं, तो मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा वहाँ पे शूट वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि लोग सोचे कभी देखा हमारी वीडियो बना रहा है। ये अपनी बसंती घड़ी है जावा। अब चलते हैं आगे, कुछ देखते हैं आगे क्या है। और इतना सुंदर है ना, मतलब बादल रोड पे आए हुए हैं बिल्कुल, मतलब बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे। मिलते आगे। तो ये लोकेशंस नहीं, अब लाल टिब्बा और अपील के लिए अंकल कितनी तेज चल रहे हैं। और ये चर्च, क्या खूबसूरत जगह है। आओ मेरे भाई बहनों और देखो इसको। ऊपर लाल टिब्बा जाने के लिए, क्योंकि वन वे है, ये लाल टिब्बा पे जाने के लिए है और ये आने का रास्ता है इधर की साइड से। चाहे आप पैदल हैं चाहे आप कैसे भी हैं, आपको इधर से ही आना है। ये रास्ता आप देख सकते हो। सो गाइस, ये मार्केट है यहाँ पे, टिप टॉप टी शॉप, चार दुकान सिंस 1910। देखो बहुत सुंदर है भाई, जरूर आना चाहिए। अगर लाल टिब्बा नहीं आया कोई तो जरूर आओ। और SBI बैंक भी है यहाँ पे, ATM से खूब पैसे निकालो, खूब उड़ाओ। सो गाइस, अच्छी खासी यहाँ पे चढ़ाई है और जैसे देख सकते हो आप कितनी ज्यादा हाइट पे है। थक गए सांस चढ़ गई बिल्कुल बुरी वाली, थोड़ा सा रुक जाते हैं। और बाप रे, मुंह से धुएं आ रहे हैं बाप रे, बहुत अच्छा है। बट यार यहाँ पे ना, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन है ना, यहाँ आ जाओ 15 दिन रहो, फ्रेश ऑक्सीजन। ओफो, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत ही सुंदर। तो अभी अब मैं नीचे जा रहा था, पर ना ये लाल टिब्बा की मार्केट मतलब एक्सपेंसिव है, बट ना चीज़ें अगर आप जो मतलब जिस चीज़ के लिए आप पे ऑफ कर रहे हो, वो चीज़ें ना खाने में भी हर चीज़ में, इवन यहाँ की कॉफ़ी ठीक है, बहुत एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ना, मतलब फ्लेवर वाइज ऐसा नहीं लगता कि यार हमने पैसा दिया और देखा और खाने में भी मज़ा नहीं आया, वो वाला बात नहीं है यहाँ पर।
और अच्छा है सब चीज़ें यहाँ पे। यहाँ के लोकल्स भी अच्छे हैं, जैसे बात हुई अगर मेरे को यहाँ पे सुबह प्रॉब्लम हो रहा था आने में, बट यहाँ पे जितने भी थे सब ने अच्छा गाइड किया कि लाल टिब्बा कहाँ है, कितनी दूर पे है, ठीक है। तो मतलब लोकल्स अच्छे हैं यहाँ के, मतलब हेल्पफुल नेचर है सबका। अब ये मैं ऊपर चला गया था और ये लाल टिब्बा की से, मतलब लाल टिब्बा नहीं, चौक पे हूँ मैं वहाँ के। सब लोग यहाँ पे, पुलिस हमेशा रहती है यहाँ पे, कोई भी अगर आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप लेडीज़ के साथ आए हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब चीज़ फ्री फ्री है यहाँ पे, आराम से घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि आप किसी को परेशान मत करो, लोकल्स को आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और इन सब के बाद ये है ब्यूटी दूसरी जो मैंने देखी, लाल टिब्बा की चर्च। वाओ, सुंदर, बहुत सुंदर ना, मज़ा आ रहा, मन कर रहा बस यहीं जम जाओ, यहीं रुक जाओ बस, इतने तीखे तीखे मोड़। अरे बाप रे कैसी उतरन है ये, मज़ा आ रहा पर भाई बहुत ज़्यादा, मतलब ना काश खुदा बाप जल्दी से पैसा दे और मैं गोपो खरीदूं। कितने सुंदर सुंदर घर है, वाओ, बालकनीज इनकी है, एंट्रेंस भी यहीं से ही है, ये जा रहे ऊपर, वाह, खुदा बाप एक बार मौका दे यहाँ रुकने का भी। लाल टिब्बा में कहते हैं एजी चर्च है ऊपर चोटी पे, दिखता है, हम लोग आते भी थे कैंप में ना, पर मुझे अभी तक दिखा नहीं। अरे बाप रे कैसे कैसे घुमाओ है भाई, पर मज़ा आ रहा है जो बात है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है वह बिल्कुल, अरे बाप रे, बच्चे खेल रहे हैं लोकल्स यहाँ के। ओ तेरी वो दिख रहा, देखो मसूरी है पर यहाँ पे होटल्स हैं शायद ये, पर कितना अच्छा लगा होगा लोगों को जो रुके होंगे यहाँ। पीछे जहाँ से उतर कर आया वो देखो सुंदर, वाह क्या अल्टीमेट जगह है यार। बस ये भी है पर यहाँ पे हम जैसे आलसी लोग नहीं रह सकते, जिन्हें यहाँ मोड़ तक जाने के लिए भी बाइकें चाहिए होती हैं। मसूरी के लिए किधर जाना, नीचे, ये क्या है मसूरी तो? अरे नहीं मतलब माल रोड के लिए। उन्होंने मेरी पोपट कर दी, मसूरी में होके मैं पूछ रहा हूँ मसूरी कहाँ पे है। इतनी सुंदर जगह पे आने के लिए कष्ट तो उठाने पड़ते ही हैं बॉस, इतनी पतली सी रोड है, वहाँ से नीचे आया हूँ, वो बाइक खड़ी है मेरी ऊपर, वो खड़ी है बाइक वहाँ से नीचे, रास्ता नहीं है बट लोकल्स ने रास्ता बनाया हुआ है। पैर स्लिप हो जाए तो बिल्कुल बंदा नीचे ही जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और आसपास के लोकेशन और ये ऊपर घर, मतलब कितना अच्छा, काश यार अपन का भी होता रहने के लिए यहाँ पे। और ये जैसे ये देखो, ये सारा ना माल रोड का मसूरी का ये सब दिख रहा है, बैक साइड है ये बहुत अच्छे जगह है, बहुत अच्छी। मैं तो कहता हूँ कि मतलब जो कोई भी अगर प्लान कर रहा है ना मसूरी के लिए, लाल टिब्बा जरूर, और ये लोकेशन ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अच्छी लोकेशन है। सो गाइस ये है लाल टिब्बा, लाल टिब्बा से लाल टिब्बा ऊपर है बट ये नीचे है थोड़ा, और यहाँ पे मतलब ये बैक साइड वहाँ देख सकते हो मसूरी को क्यों कहा जाता है कि पहाड़ों की रानी, और ये इस खूबसूरती की वजह से इसको पहाड़ों की रानी बोला जाता है। और यहाँ पे मतलब ये चीज़ें पूरा देहरादून आप ये देख सकते हो उधर की साइड, और
ये चीज़ लोकेशन कितना अच्छा है यहाँ पे मेरे बैक साइड में। और यहाँ पे मतलब ये दो भाई मिले मेरे को, एक सौरभ है जिसने मेरी हेल्प करी। हाय सौरभ। तो इन्होंने मेरे को हेल्प किया कि यहाँ पे आने के लिए, इन्होंने मेरे को गाइड किया थोड़ा कि कैसे कैसे आपको पहुँचना है। मैंने यहाँ पे क्रॉस देखा जब मैं छोटा था, मैं एजी चर्च की तरफ से यहाँ पे लालटिब्बा में एक चर्च है वहाँ आया करता था यूथ कैंप के लिए। और ये क्रॉस हमने तब भी देखा, आज मैं अकेला आया हूँ तो शूट करते हुए मैंने वहाँ से क्रॉस को देखा, मैं तभी मैं इधर की तरफ आया कि ये क्रॉस है पीछे। कितना अच्छा लगता है जब आप ये चीज़ें देखते हो अपने जगह पे। और काफ़ी चर्चेस थे यहाँ पे, घर भी थे जिसमें वीडियो वो मतलब क्रॉसेस लगी हुई थी, हम विजिट कर भी सकते हैं। चलो सो गाइस, ये चर्च है यहाँ पे लाल टिब्बा में। 3:30 यहाँ पे वर्शिप होती है, तो मैं उस मीटिंग को अटेंड करने वाला हूँ अभी। तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मीटिंग को अटेंड करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चर्च है ये लाल टिब्बा में, आपको वहाँ भी दिखाया था और यहाँ भी। वाह कितना सुंदर है ना। लाल टिब्बा का चर्च है दोस्तों, सब म्यूजिक सिस्टम। अभी क्वायर प्रैक्टिस कर रही है और कितना अच्छा है वर्शिप के साथ साथ यहाँ पे हम लोग सभी देख सकते हैं। सो गाइस, अभी बारिश से बचने के लिए मुझे जो पास्टर की वाइफ थी अभी जिस चर्च में मैंने विजिट किया, तो उन्होंने ये रेनकोट दिया। यहाँ पे ना सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, चढ़ने के पैसे लगते हैं, उतरने के नहीं। उतरे तो ढलान से आराम से अपना, ये देखो सारा पेट्रोल बच रहा है अपना, सीधा ये देहरादून ही रुकेगी गाड़ी जा कर। कुछ ही जगह आती है जहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई होती है, अदरवाइज मज़ा आ रहा ना। अरे मुझे ही मज़ा आ रहा था यार, तुम्हें देखने में कितना मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई बहनों, है ना। देखो यार इंजॉय करो मेरे साथ, और प्लीज़ यार अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करवा दिया करो अपने दोस्तों से या किसी से, है। और जो नए हैं व्यूअर्स, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, है ना। थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप लोग सब्सक्राइब भी करते हो और लाइक करते हो चैनल को, थैंक यू एडवांस में। सो मेरे प्यारे दर्शकों, अब वीडियो का वाइंड अप करते हुए मैं निकल रहा हूँ मसूरी से। ये देख सकते हो आप, पर बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अब निकल रहा हूँ यहाँ से, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय।